है इसका दीवाना तो सारा जहां। निवेदन कर रहे हैं हमारे समिति के सभी भैया लोगों से, गाना सुनिए आपको अच्छा लगेगा। सुनिए ब्रजेश भैया, इतना समय आप दे रहे हैं बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, सुनिएगा। है इसका दीवाना तो सारा जहां, किस्मत से मिलती है मोहब्बत यहां, दिलों के फसाने सुना सजी जी क्या करोगे, सामान बांधे के निकल लेंगे। हाँ। ये नहीं, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे क्या करोगे। हाँ। तो मैं प्रयोग ला रही हूँ क्या करोगे। ये पहले प्रसंग सुन लीजिए। श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं, तो समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। लक्ष्मण ने कहा भगवान ये ऐसे नहीं मानेगा, बाण तान लीजिए, और भगवान ने बाण निकाला तो हुआ क्या? क्या तो श्री राम की विनय का कोई भाव नहीं है, और सागर पर नम्रता का कुछ प्रभाव नहीं है, श्री राम जी के रोष का ना पारावार था, सवाल उठा। तो सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया, सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया, और शिवलिंग की करो पूजा ये भगवान को बंद निर्माण में कोई एक ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो ऐसा ब्राह्मण कहीं भी दूसरी जगह पूजा न कराने गया हो। अब जरा देखिए वो ब्राह्मण कौन, किसको बुलाया जा रहा है, देखे। पंक्ति सुनिए आपको अच्छी लगेगी। पंक्ति कह रही है वो ब्राह्मण कौन है, कौन? के आचार्य दशानन को तब बनाया गया है। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, वो था रावण। रावण जिस रावण को मारने के लिए पुल बनाया जा रहा है, वही रावण आ रहा है दशानन। पंक्ति कह रही है क्या, आचार्य दशानन को तब बनाया गया है। और इतना ही नहीं,
के रावण के द्वारा जानकी को लाया गया है। रावण के द्वारा जानकी को लाया गया है। रावण के द्वारा जानकी को लाया गया है। रावण अकेला नहीं आ रहा है, सेतुबंध निर्माण में पूजन कराने आ रहा है तो सीता को साथ में लेकर आ रहा है। अब सोच कर देखिए, राम चाहते तो वहीं सब मार पीट करके सीता को ले लेते, लेकिन नहीं, ये धर्म युद्ध है। पूजन के लिए रावण इसलिए सीता को लाया क्योंकि कोई भी पूजा बिना जोड़े के अकेली की नहीं जाती। और जब सीता जी को ले आया तो हुआ क्या? क्या? रावण के द्वारा के हर भांति से शिवलिंग का सम्मान हो गया और श्री राम जी का पूर्ण अनुष्ठान हो गया। पर आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए। पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। सुनिए, आखिर सारे देवता क्यों रुक गए ये देखकर के आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए के जब राम जी दश शीश के चरणों में झुक गए। जब राम जी दश शीश के चरणों में झुक गए। जब राम जी दश शीश के चरणों में झुक गए तो रावण में पुरोहित का भाव पहने लगा है। और हे आपकी तालियों के लिए अच्छा लग रहा हो तो मिलकर बजा दीजिए। और क्या, रावण ने जब अपने चरणों में राम जी को झुका देखा तो उठा लिया, गले से लगा लिया, कहा हे राम तुम्हारी जय हो। और केवल जय नहीं, हे राम तुम्हारी विजय हो, विजय भाव कह दिया। वाह, जब विजय होने का वरदान दे दिया तो आप सोच कर देखिए कि रावण की हार तो निश्चित है जब स्वयं ब्राह्मण कह रहा है। अब गीत सुनिएगा ससुराज कमल जी। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं भाई, इतने मंडल में खलबली मची हुई है, कई लेखक बदलोगे तो यही होगा। चोर की चोर करो। अब सुनिए सुनिए, रावण ने जब राम जी को अपने हृदय से लगाया तो राम जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे रावण, हे रावण, हे दशानन, मांग लो। कोई ब्राह्मण जब पूजन कराता है तो वो खाली नहीं जाता। मांग लो, तुम क्या चाहते हो। तो रावण मुस्कुराने लगा और दशानन कहने लगा, बार बार कह रहे हो मांग लो मांग लो, तो सुनो रावण, सुनो। कहने लगा दशानन, क्या है यजमान मेरा तो वनवास में, है यजमान। यहाँ पर आपके पास कुछ है ये नहीं, आप करे मांगो मांगो। तो है यजमान मेरा तो वनवास में, पर दे दो खुशी से लूंगा विश्वास में। तो बोले प्रभु जी जो कहो देंगे, और वचन की आशीर्वाद दीजिएगा। देखिए रावण ने मांगा क्या, सुनिए, कह रहा है क्या, कह रहे हो मांग लो मांग लो। फिल्मी गीत करा क्या करोगे, मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। तो रावण कहने लगा, कह रहे हो मांग लो, तो हे राम सुनो सुनो।
दे दो मुझको, दे दो मुझको अमरता का वर है, के दे दो मुझको अमरता का वर है, यही कह दिया तो क्या करोगे। क्या के सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, यही वर लिया तो क्या करो, यही वर लिया तो क्या करो, यही वर लिया तो क्या करो। सुखा खेड़ा के प्रधान और सम्मानीय हमारी माता जी आकर ये पुरस्कार दे गई हैं, मैं हृदय से आपको नमन कर रही हूँ, सादर धन्यवाद है। गीत पूरा हो जाए उसके बाद पुरस्कार बोल दूंगी, बिल्कुल बीच में व्यवधान ना हो पाए। सुनिए सुनिए, रावण ने कहा क्या? सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, अगर यही वर लिया तो क्या करोगे। तो एक बात और दशानन ने कही, क्या कहा? याद करिए प्रभु, याद करिए। जब शेष के ऊपर करते शयन, जब शेष के ऊपर करते शयन, तो आकर कहे थे मैंने ये वचन, और कहा था क्या? ज्यादा नहीं है मेरी उम्र, जन्म लीजिए प्रभु बन करके, जन्म लीजिए प्रभु बन करके, जन्म लीजिए प्रभु बन करके, के जन्म लीजिए प्रभु बन करके नर। वो कहा प्रभु? सुनिए सुनिए, जिसके हित ही मुझे मारने के लिए आप आए हैं, आए हैं और मुझसे कह रहे मांग लो, तो जिसके हित ही हुआ अवतरण है, कि जिसके हित ही हुआ अवतरण है, ताल वो दिया तो क्या करोगे। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि रावण ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं ना। कवि की लेखन शैली होती है, कवि गागर में सागर भरता है, बिल्कुल। अब जो रावण ने सच में मांगा मैं वो आपको बता रही हूँ, ये वहां तो वो कह रहा है कि अगर यही कह दिया तो क्या करोगे, लेकिन सच्चाई में उसने मांगा क्या? क्या वो चाहता तो सीता को मांग लेता, अयोध्या का राजा बन जाता, राम की मृत्यु मांग लेता, सारी दुनिया का राजा बन जाता, लेकिन नहीं ऐसा नहीं मांगा उसने। उसने मांगा क्या? क्या उसने कहा? प्रभु मैं ये कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता क्या हूँ देखे, कि प्रभु आपसे मैं ये लेता वचन, जी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, देख लो भैया देख, कहा कि प्रभु आपसे मैं ये लेता वचन, चाह क्या रहा हूं? क्या कि आप ही के हाथों हो मेरा मरण, आपके हाथों मरना चाहता हूं, तो आपसे हो मेरा तारण तरण, तो चिंता चिंता हरण, चिंता को पालो,
जिसके कारण अंतिम पंक्ति सुनिए और अच्छी लगेगी, मेरा विश्वास है। कहा क्या? जिसके कारण आप मुझे मारने के लिए आए और मेरे लिए वनवास काटना पड़ रहा है, और आपके वन आने से आपकी तीनों माताएं विधवा हो गई, तो हे राम कहीं ऐसा हो गया तो क्या करोगे? अब क्या कि जिसके कारण मिटी मांग कुल की, जिसके कारण मिटी मांग कुल की, वही बच गया तो क्या करोगे? अगर वही बच गया तो क्या करोगे? वाह बात। तो सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, यही वर लिया। तरफ से गीत रहा बहुत छोटा सा, और कुछ आशीर्वाद इस गीत पर हैं। भैया जीता था जिसके लिए, और बहुत आनंद से आप आपने पूरा गीत सुना है मेरा, तालियां भी बजाई हैं, और मेरा विश्वास है ये भी आप जाते जाते याद रखेंगे। बिल्कुल। एक धुन आई, कौन सी? के जीता था जिसके लिए, तो जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं पाप कहता। गलत हो गया बेटे, गलत हो गया, गलत हो गया। ये बेचारे बड़ा इंतजार कर रहे थे, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। क्या दिल में तो लड्डू फूट रहे। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मर, एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी करोगे। तो मुझे दादा की दो लाइनें याद आ गई अपने गुरु जी की। एक बार जिस समय रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मार कर लंका से निकाल दिया, विभीषण राम जी की शरण में आ गए, राम जी ने उन्हें गले से लगा लिया, और केवल विभीषण को गले ही नहीं, चीटी हो रही, विभीषण को केवल गले से ही नहीं लगाया, जल से अभिषेक कर दिया, और विभीषण को राजा घोषित कर दिया लंका का, राजा बना दिया। बगल में सुग्रीव जामवंत सभी लोग खड़े हैं, सब विचार कर रहे हैं कि राम जी को क्या हो गया है, अभी तो रावण जिंदा है और विभीषण को राज दे रहे हैं, तो सब कहने लगे कि हे राम, हे राम, आपने बिना सोचे समझे इनको लंकेश बना दिया है, राजा बना दिया लंका का, अगर कहीं रावण सीता को लेकर आ गया और आपके चरणों में झुक गया तब फिर क्या करेंगे, राजा तो इनको बना दिया।
तो भगवान ने कहा सुनो सुनो रास्ता है मेरे पास। और राम जी ने कहा सुनो सुनो कि अभ्यागत विभीषण को कितनी करवटें बदली जा रही है। और क्या और क्या कितनी खड़बड़ी मची है मंडल में। ऐसे ही लगता है जब दूसरे का गीत काटा जाता है। सुनिए रावण के लिए भगवान राम ने कहा सुग्रीव जामवंत सभी खड़े हैं तो कहा सुनो मैंने सोच कर ही किया है। अगर तुम कह रहे हो कि रावण आ गया तो क्या करूंगा, मैंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, तो सुनो अभ्यागत विभीषण को विभीषण को मैं लंकेश बना दूंगा। शरणागत कि शरणागत दशानन को अवधेश बना दूंगा। अयोध्या का राजा मैं नहीं बनूंगा, रावण को वो दे दूंगा। राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या अभ्यागत कि शरणागत दशानन को मैं अवधेश बना चाबी भरी जाएगी उतने तो चलो। और क्या क्यों नहीं चोच कभी पढ़ा करो। अरे वसुदेव की केवल वसुदेव की पत्नियां कितनी है, है? 12 पत्नियां हैं वसुदेव की है? यशोदा को मिला दीजिए तो 13 माताएं हो जाती हैं। क्यों 13 को 3 बता रही है? अरे वाह नाम बताऊं सबके है 3 13 9 18 पढ़ा करो। गुड्डू ज्ञान दे रहा। गुरु माता भी माँ समान होती है। अगर माँ की बात करोगे गुरु माँ सासू माँ है। क्यों वाह गोपाल है तो गौ माँ। सासू माँ का नाम मत लो। तमाम माताएं हैं उनको आपने केवल बता दिया 3 है। वाह भाई वाह। और क्या ऊपर असली चंद्रमा नीचे असली चंद्रमा केवल छवि है, नीचे नकली है। क्रांतिमाला जी केवल दूसरे की बात कैसे हल्की हो जाए, कैसे क्रांतिमाला की जय जय हो जाए, दुनिया भर की लेथन लेकर खड़ी हो गई। मैंने जो जवाब दिया आखिर नाग का जवाब मैंने चंद्रमा से क्यों दिया था, कारण था नाग में जहर होता है और जहर का जवाब अमृत से ही हो सकता है। चंद्रमा में अमृत होता है कि नहीं होता है? गाया होगा तमाम कलाकारों से गीत। शुक्ला जी शुक्ला जी इससे अच्छा जवाब क्या हो सकता है। शुक्ला जी अब बताया कि जितना बढ़िया एक्शन हम लोग करते हैं और क्या, जितना बढ़िया बुड्ढा इनके मंडल में कहीं है ही नहीं। और क्या गाने को सजाते बढ़िया है। और क्या एक्शन तो अच्छा करती हो, पथरामी के शहर की हो तो एक्शन तो अच्छा होगा होगा। वाह क्या बता मैं अब समय की बत्तीस है कह रहे खीर खीरा बता दिया। खीर खीरा का क्रांति माला के नाम बैनामा तो है नहीं है? प्रसंग है कोई भी गा सकता है। और क्या क्रांति माला जी जोश में केवल होश खोए जा रही हो और आज आज आपने वो काम किया है आपकी आत्मा जानती है।
ये गाना जो आपने गाया YouTube पर पड़ा हुआ है और साथ में इसका हमारा जवाब भी पड़ा हुआ है। दोनों जो मैंने जवाब आपको दिया उसको आज आप दादा का कटपीस बता के गाए जा रही है कि देखें अब क्या आता है। ये है कमजोरी के लक्षण। अच्छा ठीक है, आपने कर लिया, इस चक्र में मैं करूंगा, तब देखना आपके साथ क्या होता है। अपनी बच्चिया के साथ हम जानते हैं। वाह, छोड़ता हूँ, समय का बंधन है, मैं प्रयास करूंगा कि समय के अंतर्गत चक्र पूर्ण करूं। जो आदेश मिला है उसका पालन किया जाए। तो है कहने के लिए तो तमाम बातें आपने करके छोड़ी हैं, छोड़ो भाई, लेकिन आपसे क्या तर्क करूं, भगवान कन्हैया के लिए आपने पुरंदर का प्रयोग कर दिया। पुरंदर यानी इत्र, क्या तर्क करूं। वाह, कि जीता था जिसके लिए ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। टुकड़ा दिया शरणागत विभीषण को तभी तो सवाल किया गया प्रभु अगर रावण आ गया तब क्या बात फिर बना दूंगा। शरणागत विभीषण को अरे लंकेश बना दूंगा और शरणागत अभ्यागत रावण को मैं अवध खबर पहुंची जनक राज में। क्रांतिमाला जी जवाब सुनिए, दादा ने कई बार आपसे गाया है लेकिन आज जवाब दूसरा दे रहा हूं। जनक राज तक मामला पहुंचा कि विभीषण को लंकेश बना दिया और राम कह रहे अगर रावण आया तो उसको अवधेश बना दूंगा। तो फिर राम का क्या होगा, सोचो सोचो राम का क्या होगा। तो देखिए जनक राज ने कहा क्या, शरणागत रावण को शरणागत रावण को जब अवधेश बना दे धर्मागत रघुवर को हम मिथिलेश बना देंगे। कौन सा कि है इसका दीवाना तो सारा जहां। नसीबों से मिलती है मोहब्बत या
ये मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे, अनजाने में जान तमन्ना कुछ हो गया तो क्या करोगे, रावण ने कहा कि प्रभु मांग लूं कर अमरता का वर तो क्या करोगे, और सीता को छोड़ अवध लौट जाओ यही वर लिया तो क्या करोगे। जवाब पर तो आपने पानी फेरा, एक जवाब और सुनिए। प्रभु राम मुस्कुराने लगे, कहा रावण तुम ऐसा मांग ही नहीं सकते, कारण रावण की सुन के बाद प्रभु हंसने लगे हैं। रावण की सुन के बाद प्रभु हंसने लगे हैं, कंचन सा कसौटी में उसको कसने लगे हैं। ये सागर भावनाओं का न पार कीजिए, ये सागर भावनाओं का न पार कीजिए, और क्या मांगते हो आप कुछ विचार कीजिए, क्या मांगते हो आप कुछ विचार कीजिए, क्या मांगते हो आप कुछ विचार कीजिए। ये 201 द्राए उषा साहू जी प्रधान पछौरा, और एक से द्राए भाई पप्पू साहू जी मंगत खेड़ा आपके द्वारा प्रधान है। क्या बात, वाह सही जवाब पे। अरे रावण जरा विचार करना कि बोले है रावण से असरन सरन, अगर तुमने अमरता मांग ली, तुमने सीता को छोड़कर जाने का वचन ले लिया, तो विचार करना ऐ रावण। बोले है रावण से असरन सरन कि होगा तुम्हारा कैसे तारन तरन। अरे जब तीन बार मेरे द्वारा मारे जाओगे तभी तो मुक्ति मिलेगी, और क्या, तो ये दूसरा ही जन्म है। मेरे द्वारा रावण अगर नहीं तुम मरोगे सोचो स्वयं ही कैसे तब तुम तरोगे, मुस्कराने लगे प्रभु राम। कहा रावण मांगते हो जो मर्दसानन, मांगते हो जो मर्दसानन वही वर दिया तो क्या करोगे। अगर मैंने तुमको अमर कर दिया, इस असुर योनि से मुक्ति कैसे पाओगे, सोचो सोचो। मांगते हो अमरता अगर तुम, अमर कर दिया तो क्या करोगे, अमर कर दिया तो क्या करोगे, करोगे।
लिखे हैं कि क्या मुद्रा है, अमर बाल बॉम्बे हेयर ड्रेसर गुरबक्सगंज रायबरेली। वाह वाह, क्या मुद्रा है भाई? शिवम साहू जी पछौरा आपके द्वारा प्राप्त है। जहाँ सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं उसके बाद भी देखे जवाब में निकल रहा हूँ। क्या बात, अः रावण तामसी है काया न होगा भजन, भक्ति का मन में हुआ ना सृजन। रावण बोला प्रभु आखिर मैं असुर योनि में क्यों आया? क्योंकि श्राप था, श्राप मिला और श्राप से मुक्ति तभी होगी जब तीन बार तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा। किया तो ऐसे प्रभु जी है पैर ठाना और अभी नहीं दोनों को यहाँ बस निभाना। ये तो हम दोनों केवल अभिनय कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। मैंने पाप किया आपके अवतार के लिए, सीता हरण किया कि आप लंका आए। क्या बात, वाह। और आपने भी विप्रधेन सुरसन सहित विप्रानी ब्राह्मण रावण, सोचो सोचो रावण के लिए आप भी तो मन मन भटक रहे हो। प्रभु राम कहने लगे दशानन तो इसके सिंधु में है दशानन, तो इसके सिंधु में है दशानन, प्रेम भर दिया तो क्या करोगे। क्या बात है, चाहते हो अमरता का वर तुम हो, अमर कर दिया तो क्या करोगे, अमर कर दिया तो क्या करोगे, करोगे अमर कर दिया तो क्या करोगे। अरे हम दोनों एक अभिनय कर रहे हैं, युद्ध होगा और युद्ध में होगा क्या? महायुद्ध में वो महावार होगा, मेरे हाथों कुल कुल का उद्धार होगा। दशानन तीखे तीरों तीखे तीरों तीखे तीरों की जगह धनुष पर, तीखे तीरों की जगह धनुष पर, सुमन धर दिया तो